Bahria ka Precinct 20 in Golf City itself ek alaida se city hai Golf ka Bahria town ke andar ek alaida bada khoobsurat aur well managed wo khoobsurat precinct yani agar aap baat kare 500 yards ki 1000 square yards aur 2000 square yards ye sare size ke plots aapko ek hi precinct ke andar mil sakte hain aur ye wala golf wala precinct hai Golf basically apni beauty, apni greenery aur apni isi hawale se baat kare to ek numaya khoobsurti ke saath ek famous area hai yahan pe Bahria ki jo plannings abhi tak hame nazar aayi hain ya jo future mein hame lagta hai ki yahan pe cheeze hongi usme 5 star hotels aur baki sari cheeze isko bada acche tarike se manage bhi kiya gaya hai aur yahan pe future mein bhi aap dekhenge ki cheeze bahut achhi develop rahengi 500 yards ke plots yahan pe mostly hain aur jo rates hain wo is waqt koi itne khas zyada nahi hain jo ki future mein aapko dekhenge ki bahut acche ho chuke hain golf ke basically agar aap do half karte hain ek pehle jo main jinaq ke sath ye wala jo adjacent area hai yahan pe hum aapko leke aaye hain ye road 15 road 11 ek sare areas ke wala ye wala area hai yahan pe is waqt hum aapko road 9 pe leke aaye hain रोड 9 बहुत बड़ा रोड है इसका गोल्फ का इस वक्त आपको इसी जगह पे लेके आए और यहाँ से जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे सारे गोल्फ का व्यू है यानी ये गोल्फ कोर्स के सारे व्यू हैं बड़े खूबसूरत ये एरिया है यहाँ पे रहने को लोग बहुत लाइक करते हैं जो भी हालात रहे हैं इस तरीके से भी रहा है गोल्फ का ये वाला एरिया हमेशा से डिमांडिंग रहा है इसकी प्राइसेस हमेशा से अप्रिशिएट करती रही हैं और इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस में तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपये तक का यहाँ का रेट हो चुका है ये आप देख रहे हैं स्ट्रीट 74 आप हमारे राइट साइड पे देख रहे हैं इससे पहले स्ट्रीट 71, 72 और 73 हैं ये सारी वो वाली स्ट्रीट्स हैं जो हाइट की भी हैं और यहाँ से आपको सारा गोल्फ का जो कोर्स है नज़र आते हैं बेसिकली ए बी सी एंड डी ये गोल्फ कोर्स हैं जो इस रोड 9 और रोड 1A के ऊपर आते हैं इस वक्त हम आपको रोड 9 से सारा लेके जा रहे हैं रोड 1A की तरफ और हमारे राइट साइड पे थ्रू आउट आप देख रहे हैं कि गोल्फ के व्यूज हैं इनको आप गोल्फ व्यू सारा बोल सकते हैं ये सारा जो एरिया है बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश्ड है ये स्ट्रीट 69 है ये भी बिल्कुल गोल्फ के ऊपर है ये वाली स्ट्रीट और इसके साथ साथ ये आप घर देख रहे हैं यहाँ पे रोड 9 के ऊपर आपको 3 से 4 विला जो हैं वो बने हुए या बनते हुए नज़र आते हैं ये सारा एरिया वो वाला है जो बड़ा प्राइम लोकेशन का एरिया जिसमें मेन जिनाह भी एक साइड पे करीब है और सामने से गोल्फ कोर्स भी करीब है ये सबसे एक्सपेंसिव और अच्छा एरिया है यहाँ पे 1000 के और 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं इस वक्त ये रोड 9 से आते हुए यानी मेन गोल्फ में जो एंटर हुए उसके बाद हम रोड 9 पे आते हुए लेफ्ट साइड पे रोड 1A की तरफ आ रहे हैं और ये इस जगह पे आके रोड 1A और रोड 9 ये यूनाइट होते हैं यहाँ पे रोड 9 ख़त्म हो जाता है और रोड 1A जो थोड़ा रोड आगे भी जाता है उसकी तरफ जाते हैं और हम इस वक्त हम राइट हो रहे हैं ये सामने इस जगह पे गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स का एरिया है अगर आप मैप देखेंगे गोल्फ का तो आपको यहाँ पे गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स के लिए जगह यहाँ पे मुख्तस की गई है और बहुत जल्द इसके चांसेस हैं कि ये वाला जो अपार्टमेंट्स हैं ये लॉन्च होंगे और बड़ा खूबसूरत व्यू मिलेगा आपको थ्रू आउट द गोल्फ क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड पे यहाँ पे ये जो 500 की ये जो पट्टी है यहाँ पे इस वक्त आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपये में प्लॉट मिलता है 500 यार्ड्स का ये बिल्कुल गोल्फ का यानी प्लॉट्स की बैक साइड पर आपको गोल्फ का व्यू मिलता है ये सारा एरिया 100% डिवेलप है पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ अवेलेबल है और यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग भी इसी वाले से हो गई है और ये आप देख रहे हैं कि गोल्फ कोर्स का ये ऑफिस है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी क्लब पूरा है और इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है बहुत सारे मेंबर्स जो हैं गोल्फ क्लब के वो रजिस्टर हो चुके हैं इसके बिल्कुल ऊपर आप देख रहे हैं 5 स्टार होटल हयात रेजेंसी जो है वो भी बन रहा है और इसके सामने ये देखिए ये लिखा हुआ गोल्फ कोर्स ऑफिस गोल्फ कोर्स का ये ऑफिस है बेसिकली यहाँ से सारी रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके हवाले से ये
ये वाला वो वाला एरिया है जो गोल्फ का सबसे प्राइम लोकेशन का एरिया है. रोड 1A पे है, हमारे लेफ्ट साइड पे 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं इस वक्त और अच्छे डिमांडिंग एरिया में है ये वाले. यहाँ पे जो स्ट्रीट 49 और दूसरे वाले ये वाले नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं. ये आप देख रहे हैं, ये रोड 1A है सारा. और हमारे राइट साइड में इसमें सारे 1000 गज के ये प्लॉट्स हैं गोल्फ के ऊपर, और हमारे लेफ्ट साइड पे 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं. गोल्फ जो ओवरऑल सारा प्रीसेंट है, इसमें पीक्स भी हैं, ट्रफ्स भी हैं, और यही इसकी ब्यूटी है. अगर आप इसके ट्रफ्स भी देखेंगे इवन देन वो भी बड़े एक खूबसूरत अच्छे स्टाइल में बनाए गए हैं. अगर उसको ओवरव्यू करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं. जगह जगह पे यहाँ पे बोट लगे हुए हैं. बेसिकली बहरिया का सबसे बड़ा प्रीसेंट है जो गोल्फ है. ये ऑलमोस्ट बाउंड्री वॉल से स्टार्ट होता है एक साइड से और दूसरी साइड पे मेन जिनाह पे आता है. इसी तरीके से आप बात करें लंदन ब्रिज से स्टार्ट होता है और आगे प्रीसेंट 26A तक जाता है. तो बहुत बड़ा प्रीसेंट है और इसमें सारी कैटेगरीज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं. इस वक्त गोल्फ में हमारे पास बहुत अच्छे प्लॉट्स और अच्छी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं जो कि एक अच्छा ROI भी फ्यूचर में आपको दे सकती है. और साथ साथ में अगर आप यहाँ पे अपनी लिविंग को प्लान करते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आके रहने को पसंद करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आइडियल एरिया है जहाँ पे आप इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं. एक ऐसा एरिया जो अभी भी खूबसूरत है और फ्यूचर में मज़ीद इसमें जब कंस्ट्रक्शन होंगी तो मज़ीद चार चांद लगते जाएंगे. अब आपको हम दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं जो इसका सेंट्रल एवेन्यू वाला एरिया है. रोड 1A से अंदर की तरफ आए हैं थ्रू आउट ये, यानी हम जो गोल्फ कोर्सेज हैं जिसके वन जो A, B, C एंड D उसी को हम सराउंड कर रहे हैं. उसके अराउंड हम आपको सारी चीज़ दिखा रहे हैं. ये वो वाला सारा एरिया है जो सबसे प्राइम लोकेशन का एरिया है. बहुत खूबसूरत व्यूज के साथ गोल्फ आप देखेंगे. यहाँ के जो एक नज़ारे हैं ये बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं जो आपको जब आप यहाँ पे अपनी लिविंग को प्लान करते हैं तो आपको थ्रू आउट द लाइफ ये वाले खूबसूरती का एरिया जो हैं वो हमेशा नज़र आते हैं. यहाँ पर कोई हाई राइज बिल्डिंग्स का कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है. खुला एरिया, बड़ा खूबसूरत एरिया मिलता है. यहाँ तक का जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव एरिया है. इसके बाद हम चले जाते हैं सेंट्रल एवेन्यू वाले एरिया की तरफ जो ऊपर सामने आपको नज़र आ रहा है. रोड 6 के ऊपर सेंट्रल एवेन्यू ये एक हाफ अलहदा हो जाता है. ऊपर वाला एरिया वो वाला एरिया है जो थोड़ा सा कम प्राइस में अवेलेबल था या जिसने इतना अप्रिशिएट नहीं किया. उसकी मेन रीज़न ये थी कि अभी वो एरिया डेवलप नहीं हुआ था, इस्टेब्लिश नहीं हुआ था. लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ये सारा एरिया अच्छा खासा इस्टेब्लिश और डेवलप हो चुका है. यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो आपको पोजेशन यूटिलिटी और कैटेगरी वगैरह रेट के साथ मिलते हैं और बिल्कुल रेडी है ये एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए. ये हम आपको रोड 1 पे लेकर आ रहे हैं. रोड 1 भी जो है ये भी बड़ा खूबसूरत रोड है इसका गोल्फ का, और थ्रू और पूरे गोल्फ में ये घूमता है. रोड 1A आपको हमने दिखाया जो बिल्कुल फेस करता है गोल्फ कोर्स को. हमारे लेफ्ट साइड पे जहाँ में मस्जिद शहदा है जो गोल्फ कोर्स की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी अरसे से ही ऑपरेशनल भी है. इसके बाद ये वाली जो स्ट्रीट्स की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ से ये इसके नंबर शुरू होते हैं स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2 और ये सारी स्ट्रीट्स हमारे लेफ्ट साइड पे हैं. ये रोड 2 ऊपर की तरफ जाता है और इस तरीके से ये आप स्ट्रीट 5 से हम एंटर कर रहे हैं. ये बहुत अच्छा खूबसूरत हाइट का वेल एस्टेब्लिश वेल डेवलप एरिया. हमारे राइट साइड पे बड़ा खूबसूरत व्यू है आप देखें गोल्फ कोर्स का. ये देखें
हम इस वक्त स्ट्रीट 5 पे हैं जो बिल्कुल एडजेसेंट है जाम मस्जिद शहदा के। इससे अब हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रीट 5 की हाइट के एरिया की तरफ जा रहे हैं। जब देख रहे हैं सामने आपको बहरिया फाउंडेशन का स्कूल नजर आ रहा है, ऑपरेशनल है। यहाँ पे आके स्ट्रीट 5 एंड हो रही है। गोल्फ को ओवरऑल बड़ा खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया है और अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी इतने ज़्यादा विलाज नहीं बने, तब भी यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया गया है। सामने आपको ब्यूटीफुल एरिया इसका गोल्फ का नज़र आ रहा है। ये वाली स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 8 पे हैं, बहुत खूबसूरत स्ट्रीट्स यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पर बहुत खूबसूरत आपको व्यू मिलता है। आप बहुत अच्छी प्राइस हमेशा से रही है और अभी भी बहुत अच्छी प्राइस है। यहाँ पे इसके नीचे वाले एरिया में इस एरिया में आपको स्ट्रीट जो छोटे वाले नंबर में है 2, 3, 4 ये मिलती है। स्ट्रीट 5 हमने आपको दिखाई, स्ट्रीट 6, 7 और ये स्ट्रीट 8 आपको दिखाई। यहाँ पे बड़ा आइडियल जो गोल्फ का बेसिकली यहाँ पे आके अपना घर बनाने का एक मकसद है तो वो यहाँ पे बेसिकली आके पूरा होता है। सारी स्ट्रीट्स में या रोड 1A पे जहाँ से आपको गोल्फ का व्यू मिलता है वो सबसे खूबसूरत एरिया यहाँ पे माना जाता है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं सामने सर्विस रोड है। यहाँ से हम आपको मेन इसका एक जो चुरंगी बनी हुई इस साइड पर लेके जा रहे हैं। प्रीसेंट 20 बहुत खूबसूरत और इसमें आप देखेंगे आपको हर जगह पे ब्यूटी और मेंटेन्ड ब्यूटी नज़र आएगी। इससे ऊपर अब हम लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये वाला सारा एरिया सेंट्रल एवेन्यू से ऊपर कहीं पे यहाँ से बड़े खूबसूरत आपको व्यू मिलते हैं। अब हम आपको लेके आए हैं एवेन्यू 19 पे। इसके दूसरी साइड पे बैरियर के दूसरे प्रीसेंट हैं। बेसिकली यहाँ पे गोल्फ का जो हाफ है वो कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होगा जो फर्दर आपको आगे की तरफ से शुरू होती है। हमारे लेफ्ट साइड पे सारा ये गोल्फ का सेकंड हाफ है जहाँ पे काम हो रहा है आप देख रहे हैं और काफी सारे एरिया एस्टेब्लिश हो भी है पे आपको दूसरे रोड मिलते हैं रोड 24 रोड 25 सेंट्रल एवेन्यू के दूसरी साइड पे। किसी ज़माने में आज तकरीबन 1 साल पहले की बात करें तो ये वाला वो एरिया है जो डेवलपमेंट के पहले नहीं हुआ हुआ था और यहाँ पे रोड में माइनस का रेट चलता रहा है। बहुत सारे लोगों ने डिसपॉइंट होके डिसार्ट हो गए यहाँ के प्लॉट्स सेल कर दिए अपने, तो आज फिर अप्रिशिएट हो रहा है ये क्योंकि डेवलप हो रहा है इस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत लेक्स बहुत खूबसूरत व्यू मिलेंगे। तो ये वो वाला एरिया है जो कि पहले इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, पूरा डेवलप नहीं हुआ था, यहाँ पे आपको वो वाला सारा एरिया मिलेगा। यानी स्ट्रीट 111, 112, 134, 24, 25 ये सारा एरिया इस साइड पर आपको मिलता है। हमारे राइट साइड पर यहाँ की जो प्लॉट्स हैं ये आप देख रहे हैं ये भी डेवलप होते जा रहे हैं डे बाई डे। यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, बड़े खूबसूरत व्यूज आपको मिलेंगे जो कि चीज़ें बन रही हैं अभी प्रॉपरली, अभी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो रही डेवलप तरीके से नहीं।
जैसे जैसे ये चीज बनते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्राइस हायर साइड पे जाती जाएंगी। और इस वक्त यहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन आपको 1 करोड़ के करीब मिलते हैं, जो प्लॉट्स हैं 1 करोड़ 10-15 लाख रुपये में भी मिलते हैं। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छा ROI मिल सकता है, क्योंकि ये प्लॉट्स जब इस्टेब्लिश हो जाएंगे डेवलप हो जाएंगे बड़ा खूबसूरत एरिया है। काम बड़ा स्पीडली यहाँ पे हो रहा है, मशीनरी आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिवली काम कर रही है, बहुत जल्द आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप होगी होगी। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में यानी 6 महीने से 1 साल तक की प्लानिंग करते हैं तो बेहतरीन एरिया है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यहाँ पे अगर आप आके अपनी चीज़ें बाइंग करते हैं या फुल हाइट वाले एरिया राइट साइड का जो एरिया है वहाँ पे स्ट्रीट्स के बोर्ड लगे हैं, लेफ्ट साइड वाले तरीके से जैसे हम आपको लेकर आए हैं ये आप देख रहे हैं मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है। इस एरिया में यहाँ पे बोर्ड लगे हैं ये जो 25-24 वाला सारा एरिया है, यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलती है सामने से बोर्ड का भी अभी आपको मिलता है। यहाँ से इस वक्त हम स्ट्रीट 115 पे हैं, सामने रोड 21 है और उसके सामने स्ट्रीट 110 110 111 12 13 14 स्ट्रीट्स। ये हम इस वक्त स्ट्रीट 115 पे हैं, ये वाली भी स्ट्रीट्स जो हैं इनमें भी डेली बेसिस पे अच्छी एप्लीकेशन आ रही है, मार्केट की आस्किंग अच्छी है और यहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत और हाइट का एरिया है, गोल्फ की ब्यूटी इसके पीक्स एंड रफ्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये सामने आपको सेंट्रल एवेन्यू नजर आ रही है जो इस एरिया को पहले वाला एरिया हमने आपको दिखाया, इन दोनों एरिया को एक दूसरे से सेपरेट करती है। अब हम आपको मदीर में इस वाले से दिखा देते हैं यहाँ पे कितना स्पीडली काम हो रहा है। साइड पे सेंट्रल एवेन्यू जा रही है और लेफ्ट साइड पे ये सारा एरिया जहाँ पे काम हो रहा है वो एरिया स्टैब्लिश हो रहा है। ये ओवरऑल गोल्फ का आपको व्यू दिया, अगेन आपको समराइज करें तो गोल्फ एक साइड पे बाउंड्री वॉल से होता होगा प्रीसेंट 11 बी प्रीसेंट 10 बी 11 बी यहाँ से सामने से इससे होता होगा लंडन ब्रिज पे आता है, लंडन ब्रिज से लेफ्ट साइड पे 27A और उसके बाद गोल्फ ये स्टार्ट हुआ और आज हमने आपको यहीं से स्टार्ट करके उसके सारे जो फर्स्ट हाफ है वो 9 और 1A ये सारा एरिया दिखाया और उसके बाद आपको सेंट्रल एवेन्यू पे लेके आए हैं मस्जिद शहदा से लाते हुए सारा एरिया हमने आपको विजिट करवाया है गोल्फ का। इसके हवाले से फर्दर आपको कोई इंफॉर्मेशन पॉइंट है यहाँ पे आप कुछ बाइक करना चाहते हैं कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं अपनी फैमिली को यहाँ पे ला कर अपना घर बनवाना चाहते हैं तो सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स की टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।